हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा लिमिट में। तो लास्ट क्लास में लेक्चर में हमने क्या सीखा था, पहले उसको दो मिनट का रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि लेट्स से LHL की बात करते हैं हम। तो हमने देखा था कि अगर फंक्शन का मुझे LHL निकालना है एट x इज इक्वल टू a, क्या लिखा, LHL ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू a। तो इसको मैंने क्या लिखा था, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ए माइनस मतलब ए को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ऑफ व्हाट, ऑफ एफ एक्स। इसको फर्दर हमने क्या लिखा था, लिमिट, मैंने बोला वेरिएबल को जीरो की तरफ ले जाना है मुझे, तो मैंने नया वेरिएबल इज एच विच इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। और लास्टली दिस इज ऑल्सो इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, ये हमने देखा था LHL के बारे में। RHL के बारे में क्या देखा था, RHL एट x इज इक्वल टू a, ये था हमारा लिमिट x टेंड्स टू, अब क्या लिखूंगा मैं, a प्लस, a प्लस मतलब a को अप्रोच कर रहा हूं फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है, तो दिस इज माय RHL। इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, अगर मुझे मान लो इस वेरिएबल को जीरो की तरफ टेंड करना है, तो लिमिट H is tending towards zero, let's say minus की बात कर रहे हैं, तो इधर आ जाएगा हमारा F of, इधर A plus H आया था, तो इधर आएगा A minus H, और this is further equals to limit H tends to zero plus F of A plus H। ठीक है, ये हमने देखा था। और फिर हमने क्या बोला था, लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, LHL और RHL दोनों फाइनाइट होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट हुई, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट हुई, तो मेरा लिमिट क्या बोलूंगा, डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर दोनों फाइनाइट भी आई और अब बराबर नहीं हुई, तब भी मेरा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताया था कल, जिस पे बहुत स्ट्रेस दिया था, मैंने बोला एक्स टेंड्स टू ए, दिस डज नॉट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। ये तो क्या बोल रहा है, एक्स ए की तरफ जा रहा है, और ये क्या बोल रहा है, एक्स ए है। तो दीज टू आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। ठीक है ना, तो यही हमें समझना जरूरी है लिमिट में, कि टेंडिंग टूवर्ड्स और एग्जैक्टली होना, दोनों में अंतर होता है। लिमिट क्या बोलता है कि दिस इज व्हाट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड ए, फिर मैंने इसके आधार पे एक एग्जांपल कराया था। और फिर लास्ट में मैंने बताया था तुम लोगों को कि लिमिट का होना या ना होना उसके फंक्शनल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, कर रहा है या नहीं कर रहा, उस पे डिपेंड नहीं करेगा मेरा लिमिट का वैल्यू। मैंने एग्जांपल भी कराया था जिसमें क्या हो रहा है, हमारा फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड है बट लिमिट नहीं आ रहा। फिर एक एग्जांपल लिया था मैंने कि जिसमें फंक्शन वैल्यू नहीं आ रहा बट लिमिट आ रहा है, और एक लिया था जिसमें फंक्शनल वैल्यू नहीं आ रहा और लिमिट आ रहा है। तो रिपीट हो गया दोबारा, मैं दोबारा बोलता हूँ, मैंने बोला क्या लिया था हमने, एक में लिमिट आ रहा था बट फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं था। जैसे एग्जांपल इज, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। तो x अगर मैं x इजिकल टू 4 पे बात करूं तो इसका वैल्यू तो डिफाइन नहीं, फंक्शन इज अनडिफाइंड बट लिमिटिंग वैल्यू आता है। क्या आता है, एक x माइनस 4 कैंसिल होता है x प्लस 4, तो x प्लस 4 कितना आता है, x टेंड्स टू 4 पे 8। बट मैंने बोला ये तो हो गया मेरा वो एग्जांपल जिसमें मेरा लिमिट आ रहा है बट फंक्शनल वैल्यू नहीं आ रहा। अब मैंने बोला एक एग्जांपल जिसमें फंक्शनल वैल्यू आए लिमिट ना आए, तो मैंने एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का लिया था एग्जांपल। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में क्या होगा, लिमिट नहीं आएगा इंटीजर्स पे, और फंक्शनल वैल्यू तो हमेशा आती है, फंक्शनल वैल्यू तो डिफाइन होता ही है, दिस इज ऑलवेज डिफाइन इंटीजर्स पे, जीरो होता है। ठीक है, तो कुल मिला के इतना देखा था हमने, अब आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं, देखना। हाँ, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो लिख लो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, बस पूरा जो चैप्टर है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के ऊपर है, पूरा लिमिट का चैप्टर। तो इसको हमें बहुत अच्छे से फील लेके समझना पड़ेगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं पहले, फिर मैं लिखवाऊंगा। देर आर टोटल 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो तुम लोगों को पढ़नी है, 7 पढ़नी है। पहले मैं एक इंट्रो दे देता हूं कि होता क्या है, तो उसको समझने के लिए देखना। मैंने लिखा दो फंक्शन है मेरे, लेट से चलो नंबर ही मान लेता हूं मैं, मैंने बोला चलो फंक्शन ही ले लेता हूं, एफ और एक जी ले लिया, और मैंने लिखा इन दोनों का प्रोडक्ट इज लेट से एच। क्या बोला मैंने, दो फंक्शन है एफ और जी, और इन दोनों का प्रोडक्ट है एच। मुझे फंक्शन की डेफिनेशन नहीं पता है, बट इतना पता है कि ये एफ है ये जी है और इनका प्रोडक्ट इज एच।
अब मैंने बोला तुमसे कि अगर मान लो x इज इक्वल टू a पे लिमिट निकालना है मुझे, किसकी, h की, h की लिमिट निकालना है, तो x इज इक्वल टू a पे अगर मान लो जैसे f ऑफ 2 मान लो 2 को जा रहा है, सॉरी f ऑफ x, और g ऑफ x लेट से 3 को जा रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि x इज इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू 2 है, मैं बोल रहा हूँ लिमिट। मैंने बोला अगर x इज इक्वल टू a है, a, चलो a को भी मैं ऐसे नंबर दे देता हूँ, लेट से x इज इक्वल टू 1। मैंने बोला डिस्कशन करना है मुझे लिमिट फॉर एट x इज इक्वल टू 1 फॉर दिस फंक्शन h। मैंने बोला अगर x 1 को जा रहा है, मतलब एट x इज, एज x इज अप्रोचिंग, ऐसे लिख लो, एज x इज अप्रोचिंग 1, और मैंने बोला कि f जो है वो 2 को जा रहा है, इसलिए मैं एरो मार्क कर रहा हूँ, 2 एरो मार्क से मतलब क्या है, 2 को अप्रोच कर रहा है, एंड g पे g 3 को अप्रोच कर रहा है, तो मेरा h किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, 2 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो 1.999999 होगा या फिर 2.000001 होगा, अप्रोचिंग मतलब ये 3 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब या तो ये 3.000001 होगा या फिर 2.99999। तो ओवरऑल इन दोनों का प्रोडक्ट कहां जाएगा, 6 को जाएगा, 6 को अप्रोच करेगा, 6 को अप्रोच करेगा, इसका मतलब या तो 6.00001 होगा या 5.9999 समथिंग होगा। तो इस केस में मैंने आउटपुट बता दिया विदाउट नोइंग द फंक्शन कि f क्या है और g क्या है, जस्ट मैंने ये देखा कि f कहां जा रहा है, किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अभी फर्दर देखते हैं। अब मैंने बोला अगर मान लो ये 2 को जा रहा है और अगर ये 0 को जा रहा है, जा रहा है मतलब अप्रोचिंग, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कहां जाएगा, किस वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा, ये हो गया 0.000001 और ये होगा 2.000001, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कहां जाएगा, 0 के आसपास जाएगा, तो क्या बोलूंगा, 0 अप्रोचिंग। तो यहां भी हमने बता दिया कि रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, अच्छा और देखते हैं। मैंने लिखा 2 into, लेट्स से मैंने लिखा इन्फिनिटी हमेशा अप्रोचिंग होगा, एग्जैक्ट इन्फिनिटी तो होता नहीं है। तो मैंने अगर ये 2 को जा रहा है f की वैल्यू, कब, जब x 1 को जा रहा है और g मेरा इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये तो इन्फिनिटी, जैसे ये इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, उसको मैं 2 एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो 2 को जा रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन्फिनिटी को जाएगा। तो ये भी मैंने बता दिया विदाउट नोइंग द f एंड g। अच्छा और देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 0 अप्रोचिंग इंटू 0 अप्रोचिंग, तो क्या होगा, अफकोर्स 0 होगा, ये तो कोई शक ही नहीं है इसमें। अच्छा तो और एक आध देख लेते, चलो मैंने लिखा इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, कहाँ जाएगा, ये इन्फिनिटी को जाएगा, तो ये भी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई हमें। ठीक है, अब आएगी दिक्कत, अब जो मैं लिखने वाला हूँ वो दिक्कत आएगी। अब मैंने बोला f मान लो 0 को जा रहा है और g मेरा इन्फिनिटी को जा रहा है, अब बताओ प्रोडक्ट कहाँ जाएगा। अब हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, ये हो सकता है 0 को भी चला जाए, हो सकता है इन्फिनिटी भी चला जाए, या फिर हो सकता है एक कॉन्स्टेंट वैल्यू भी आ जाए। सो सच फॉर्म्स आर कॉल्ड, ये एरो ऊपर लगा है, सच फॉर्म्स आर कॉल्ड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये मेरा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। समझ में आया क्या बोला मैं, कि विदाउट नोइंग एफ एंड जी, इसमें बता तो दूंगा मैं, बट उसके लिए मुझे एफ और जी का डेफिनेशन पता होना चाहिए, मतलब प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इन सब में क्या हुआ था मेरा, इन सब में मैं जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन आई कैन टेल कि जो मेरा फाइनल वैल्यू है वो किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, जैसे इधर 6 को, इधर 0 को, इधर इन्फिनिटी, इधर 0, इधर इन्फिनिटी, बट इस केस में मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है ना, हो सकता है ये 0 को भी अप्रोच करे, हो सकता है इन्फिनिटी को भी अप्रोच करे, क्या हो क्या रहा है, जो एफ है वो इस पूरे प्रोडक्ट को 0 की तरफ लेके जाएगा, जी क्या करेगा इस पूरे प्रोडक्ट को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, एक फंक्शन तो उस पूरे प्रोडक्ट को 0 की तरफ लेके जा रहा है और दूसरा फंक्शन उसको इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहा है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट कहाँ जाएगा वो डिपेंड करेगा फंक्शन क्या है। तो क्या लिखूंगा मैं, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन नॉट टेल कि ये प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, सच फॉर्म्स आर कॉल्ड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्लियर हुआ बच्चों, तो 0 इंटू इन्फिनिटी इज माई वन ऑफ द 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। एक बार और बताता हूं, मैंने बोला कि दो फंक्शन है, उन दोनों का प्रोडक्ट h दिया है, फिर मैंने बोला कि लेट्स से x इज इक्वल टू 1 पे लिमिट निकालना है मुझे, मैंने कहा अगर x 1 को जा रहा है तो लेट्स से f 2 को जा रहा है, g 3 को जा रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कहां जाएगा, 6 की तरफ जाएगा। सिमिलरली अगर ये 2 को जा रहा है, 0 को जा रहा है, तो ये प्रोडक्ट 0 को जाएगा। तो इन सभी केसेस में हम RHS को बता सकते हैं कि जो फाइनल h है वो मेरा किस पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है,
बट इस पर्टिकुलर केस में हम नहीं बता पाएंगे. क्यों नहीं बता पाएंगे? एफ तो क्या करेगा, पूरे प्रोडक्ट को जीरो की तरफ पुल करेगा. जी क्या करेगा, इंफिनिटी की तरफ पुल करेगा. तो बीच में कहां रुकेगा मेरा एच? दैट डिपेंड्स ऑन फंक्शन क्या है एक्चुअल. हेंस सच फॉर्म आर कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ठीक है. अच्छा, जैसे अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये जीरो की तरफ कैसे जाएगा, या आपने बोला इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकता है या फिर कॉन्स्टेंट भी जा सकता है, उसको समझते हैं हम. ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, पहले इतना पार्ट लिख लो. ठीक है ना, दिस यू हैव टू राइट इट, एक्सप्लेनेशन पार्ट. अब मैंने बोला कि चलो एक एग्जांपल से बताता हूं कि ये जीरो की तरफ भी जा सकता है, इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकता है, और एक कॉन्स्टेंट पार्ट भी, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है. कैसे? जैसे मैंने लिखा f into g is equal to h, ये लिखा था मेरा. मैंने f को ले लिया लेट से x, इसको ले लिया लेट से 1/x2. दिस इज माय केस वन. देखना, समझना, अभी समझने के लिए बता रहा हूं. अभी हम डिटेल, बाकी आज तो हम क्या करने वाले हैं, अभी सारे इंडिटरमिनेंट फॉर्म का थोड़ा थोड़ा देखने वाले हैं. फिर जब एक बार ओवरव्यू हो जाएगा सारे इंडिटरमिनेंट फॉर्म, फिर हम एक एक पे क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे. अभी हम समझने वाला काम कर रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल नहीं ले रहा हूं मैं. ठीक है ना, दिस आई हैव टेकन एग्जांपल जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन. अब देखना, अगर मेरा, अब देखो मैंने बोला कि मुझे ये एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकालना है. अगर x मेरा इन्फिनिटी को जाएगा तो मेरे को लिमिट निकालना है. तो देखो, अगर x इन्फिनिटी को जाएगा तो मेरा ये f जो फंक्शन है वो कहां जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा. ठीक है, g मेरा फंक्शन कहां जाएगा, 1/∞² जीरो को अप्रोच करेगा. ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है. अब हम देखते हैं h के ऊपर, तो h मेरा क्या हो जाएगा, x इंटू 1/x² इज 1/x. तो ये मेरा कहां जा रहा है, दिस पर्टिकुलर 1/∞ जीरो की तरफ जा रहा है. तो मेरा प्रोडक्ट क्या हुआ, जीरो इन केस वन. दिस इज माय केस वन. ठीक है ना, केस वन, ये मेरा केस वन है. ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें तीनों कवर हो जाए, ये जीरो को भी जाए, इन्फिनिटी को भी जाए, और एक कांस्टेंट भी आ जाए. अब मैंने केस टू लिया, इसको एक्स स्क्वायर कर दिया, इसको 1/x कर दिया. अब देखो, अगर एक्स इन्फिनिटी को जाएगा तो ये कहां जाएगा, इन्फिनिटी को. ये कहां जाएगा, जीरो को. तो इन्फिनिटी इंटू जीरो है. अब देखो प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 1/x है, सॉरी इन दोनों का प्रोडक्ट x होगा इधर. अब ये कहाँ जाएगा, अगर x इन्फिनिटी को जाएगा तो ये क्या लिखा है, इन्फिनिटी. तो ये प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है. तो समझ में आया, मैंने बोला था कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कहीं भी जा सकता है, कहीं से भी. मेरा मतलब क्या है, ये जीरो को भी जा सकता है, इन्फिनिटी को भी जा सकता है, या फिर कॉन्स्टेंट भी आ सकता है. अब कॉन्स्टेंट वाला एग्जाम्पल लेता हूँ. देखना, मैं कॉन्स्टेंट वाला ले रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ इतने पार्ट को. देखना, कॉन्स्टेंट वाले के लिए केस थर्ड एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिखा, अगर ये मान लो x है, और लेट से चलो ये 5x है और ये 1/x है, f मेरा 5x है और g मेरा 1/x है. तो ये अगर x इन्फिनिटी को जाएगा तो 5x कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को. 1/x कहाँ जाएगा, मतलब किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा. तो इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं हम, इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज h ऑफ x क्या आएगा, 5x इंटू 1/x विच इज 5. तो ये तो कॉन्स्टेंट आ गया. जैसे मैंने बताया था कि अगर एक नंबर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, एक जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो उनका प्रोडक्ट देखो, केस वन में क्या आया हमारा, जीरो को जा रहा है, केस टू में इन्फिनिटी को जा रहा है, केस थ्री में कांस्टेंट आ रहा है विच इज 5. तो यू कैन सी, जैसे मैंने बताया था कि विदाउट नोइंग द फंक्शन हम बता नहीं सकते. फंक्शन पता है तब तो ठीक है, फिर तो सॉल्व करेंगे. तो सच फॉर्म्स आर कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म. आई होप क्लियर हुआ होगा. ठीक है ना, तो इसको लिख लो. तो मैं फॉर्मली पहले एक्सप्लेनेशन पार्ट लिख लो, फिर मैं फॉर्मली लिख देता हूँ. फॉर्म वन इज इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म. पहले इसको कॉपी कर लेना एक्सप्लेनेशन पार्ट को. तो दिस इज माई फॉर्म वन. क्या लिखा मैंने, जीरो इंटू इन्फिनिटी. दिस इज माई फॉर्म वन. फॉर्म वन, ठीक है. अच्छा, एक चीज और इसमें फर्दर लिख लेते हैं. देखो क्या है, बेसिकली करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इज जीरो अप्रोचिंग इन्फिनिटी. विद बुक्स में यू विल फाइंड दे विल राइट जीरो इंटू इन्फिनिटी, बट मोर प्रिसाइसली अगर मुझे और डिटेल में देखना है, सो आई शुड राइट जीरो इंटू इन्फिनिटी लाइक दिस वे. दिस इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म. डिटर्मिनेंट फॉर्म. अब बोलो ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैंने इधर जीरो ये लिखा ना, जीरो इंटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, अगर ये मैंने एग्जैक्ट जीरो लिखा, एग्जैक्ट जीरो, देन दिस इज नॉट इंडिटर्मिनेंट फॉर्म. ये तो हमारा जीरो के बराबर होगा. दिस इज नॉट इंडिटर्मिनेंट फॉर्म. इन
डिटर्मिनेंट फॉर्म। Not indeterminate form. Clear हुआ बच्चों क्या बताया मैंने? इसको हमेशा approaching लिखेंगे। लिख लो इधर। This is zero approaching. This is exact zero. Exact zero into anything. भले वो कुछ भी हो, this is zero. ये कोई indeterminate form नहीं है। Exact zero into infinity is not indeterminate form. हाँ, arrow stands for approaching. इधर मैंने arrow नहीं लगाया, इसका मतलब ये exact zero लिखा है। ये लिखा exact zero. समझना है? तो फर्स्ट फॉर्म इज जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्म। इसमें भी मोर प्रिसाइसली वी विल से द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इज दिस वन। देखो इंफिनिटी तो हमेशा अप्रोचिंग होता है, इंफिनिटी एग्जैक्ट कुछ नहीं होता। तो इंफिनिटी में तुम एरो लगाओ या नहीं लगाओ कोई मैटर नहीं करता, बट हाँ जो जीरो है इसमें एरो लगाना है, ठीक है ना। इसमें मैटर कर जाएगा, अगर एरो लगा है इसका मतलब जीरो अप्रोचिंग है तो वो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अगर एग्जैक्ट जीरो है तो वो कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं हमारे सेकेंड इंडिटर्मिनेंट फॉर्म पे। तो वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो, ठीक है ना। ऐसे लिख लेना जीरो इंटू इनफिनिटी फॉर्म, बट फर्दर इसको डिटेल में ऐसे लिखना। दिस इज ए पार्ट, दिस इज फर्दर फॉर बी पार्ट फॉर दिस, ठीक है ना। बाकी फॉर्म से भी हम ऐसे लिखने वाले हैं, ठीक है ना, आगे भी। चलो नाउ नेक्स्ट फॉर्म, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। नेक्स्ट फॉर्म इज इन जीरो बाय जीरो, तो ये मेरा जीरो बाय जीरो फॉर्म। अगेन अभी ये एग्जैक्टली जीरो बाय जीरो है तो अभी लिखूंगा फर्दर, पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मैंने लिखा इसको समझने के लिए सेम कहानी, मैंने बोला कि लेट से एफ अपॉन जी की बात चल रही है, दिस इज इक्वल टू एच, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर मेरा एफ लेट से फाइव को जा रहा है, जी मेरा टू को जा रहा है, इसलिए मैं एरो लगा रहा हूं, तो ओवरऑल मेरा प्रोडक्ट कहां जाएगा? फाइव बाई टू को, इट विल टेंड टूवर्ड्स फाइव बाई टू। फिर मैंने बोला अगर मान लो न्यूमरेटर जीरो को जा रहा है और डिनोमिनेटर लेट से फाइव को जा रहा है, तो मेरा ओवरऑल जो फंक्शन होगा एच वो कहाँ जाएगा? ऑफकोर्स जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब मैंने लिखा ऊपर फाइव लिख दिया, चलो मैंने कहा ये फाइव को जा रहा है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है, अब मेरा कहाँ जाएगा प्रोडक्ट? इन्फिनिटी को जाएगा, क्योंकि ये तो 5 पॉइंट समथिंग लिखा है, ये क्या लिखा है 0.0000, बहुत ही छोटा नंबर, उससे अगर 5 को डिवाइड करूंगा तो ये ओवरऑल बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, दैट विल टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो ये मेरा इन्फिनिटी को जा रहा है। अगेन मैंने बोला इन्फिनिटी पे एरो लगाने की जरूरत नहीं है, सो यू कैन एस्केप ऑल्सो दिस, ठीक है ना। अच्छा तो अब मेरा ये हो गया, अब देखना, अब मैंने लिखा, चलो जीरो की बात हो गई। हाँ अब देखो इन तीनों में तो मैंने क्या कहा, बता दिया आउटपुट किस पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। अब सुनना, अब मैंने जो एक्चुअल है जीरो बाय जीरो, अब मैंने कहा लिखा जीरो, न्यूमरेटर भी जीरो को जा रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो को जा रहा है, अब प्रोडक्ट कहां जाएगा? नाउ यू कैन नॉट टेल, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन तो क्या करेगा, इस पूरे फंक्शन को एच को जीरो की तरफ लेके पुल, जीरो की तरफ पुल करेगा, और जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है जी, वो उस पूरे फंक्शन को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा है ना, तो ये जो न्यूमरेटर है वो जीरो की तरफ पुल कर रहा है, डिनोमिनेटर ओवर पूरे फंक्शन को इन्फिनिटी की तरफ पुल कर रहा है, तो हम बाय ऑब्जर्वेशन नहीं बता सकते कि इस केस में आउटपुट क्या आएगा विदाउट नोइंग द फंक्शन। समझ में आया? हाँ अगर फंक्शन पता है एफ और जी क्या है एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ एक्स, तब तो हम निकालेंगे इसकी फॉर्म, मतलब वो तो क्वेश्चन हो गया हमारा प्रॉपर, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज, इसलिए दिस इज इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, क्योंकि बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन नॉट टेल कि ये वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी। ये एक कांस्टेंट भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स फंक्शन एफ एंड जी क्या है। जैसे उधर एग्जांपल लिया था वो इधर भी लेने वाला हूं मैं, ठीक है। तो पहले वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो। अब सुनना, अब मैंने क्या लिया, मैंने बोला एग्जांपल, ठीक है ना। तो जैसे मैंने लिखा, क्या बोला मैंने कि अगर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो को जाएगा तो जो मेरा आउटपुट है वो जीरो को भी जा सकता है, इन्फिनिटी को भी, और कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है। मतलब विदाउट नोइंग द फंक्शन वी कैन नॉट टेल द आउटपुट, देयरफॉर दिस इज अ इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। उसी का एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने लिखा केस वन, मैंने लिखा एफ को तो ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर और जी को ले लिया एक्स, तो एफ अपॉन जी क्या होगा? देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो देखो अगर अब मैं x एट x इज इक्वल टू जीरो पे लिमिट की बात कर रहा हूं, तो न्यूमरेटर क्या हो रहा है? जीरो की तरफ जा रहा है। डिनोमिनेटर क्या जा रहा है? जीरो की तरफ जा रहा है। बट अब मैं इसको अलग से लिखूं, इसको h, ये मेरा h है, तो ये क्या है? x के बराबर। तो मेरा आउटपुट कहां जा रहा है अगर x जीरो को जा रहा है? तो ये x ही लिखा है ना, तो दिस इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, तो मेरा जो जीरो बाय जीरो का फॉर्म है उसका आउटपुट जीरो आ गया इस केस में। अब मैं और एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा केस टू दूसरा पार्ट, अब मैंने एफ को तो ले लिया एक्स
और g को ले लिया एक्स स्क्वायर। तो अगेन न्यूमरेटर मेरा जीरो को जा रहा है, अगर x जीरो को जा रहा है डिनोमिनेटर भी मेरा जीरो को जाएगा। बट अब इन दोनों का जो फंक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 बाय एक्स। और अगर x जीरो को जाएगा तो 1 बाय एक्स कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को। तो देखो इधर जीरो को जा रहा था, इधर इन्फिनिटी को जा रहा है। हम बता ही नहीं पा रहे ना कब कब जीरो होगा कब इन्फिनिटी होगा, वो बता पा रहे हैं कब, जब हमें फंक्शन पता है, बट विदाउट नोइंग द फंक्शन वी कैन नॉट टेल इट्स आउटपुट, ठीक है ना। अब तीसरा एक ले लेते कॉन्स्टेंट वाला केस, मैंने ले लिया ये 5x है और लेट्स से ये x है, तो इन अभी 5x कहाँ जाएगा, अगर x जीरो को जाएगा तो ये भी जीरो को जाएगा न्यूमरेटर, और x कहाँ जाएगा, ये भी जीरो को जाएगा। तो अब देखो, अब ये ओवरऑल फंक्शन क्या लिखा है, 5, तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये तो कॉन्स्टेंट आ गया हमारा। तो देख रहे हो जीरो बाय जीरो में आउटपुट कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग से मेरा मतलब क्या है, जीरो को भी जा सकता है, इन्फिनिटी को भी जा सकता है और कॉन्स्टेंट भी आ सकता है। देयरफॉर दिस इज व्हाट माय इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्लियर हुआ बच्चों, तो वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो। अब हम अच्छा एक मिनट, अब इसमें वो फर्दर और लिख लेता हूँ, वो अप्रोचिंग वाला और एग्जैक्ट जीरो वाला केस। तो पहले इस पार्ट को तुम कॉपी करो और मैं रब कर देता हूँ। देखना, मैंने बोला कि लिखते तो हम ऐसे हैं जीरो बाय जीरो फॉर्म, बट एक्चुअल क्या होगा देखना। मैंने लिखा ऐसे, लिख लो जीरो अप्रोचिंग अपॉन जीरो अप्रोचिंग, एरो मींस अप्रोचिंग, दिस इज व्हाट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। अच्छा जैसे मैंने बोला कि नहीं मैं ऊपर जीरो एग्जैक्ट जीरो लिखूं, नीचे जीरो अप्रोचिंग लिखूं, तब तो ये क्या होगा जीरो के बराबर आएगा, एग्जैक्ट जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो अप्रोचिंग विल बी जीरो। ये क्या लिखा है, एग्जैक्ट जीरो, लिख लेना उधर एग्जैक्ट जीरो। इसमें मैं आउटपुट बता पा रहा हूं ना, दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, नॉट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्लियर हुआ, हो गया हो बच्चों, समझ में आया। अच्छा अब मैं और केस और ले लेता हूं, मैंने लिखा जीरो अप्रोचिंग अपॉन एग्जैक्ट जीरो, क्या ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, नहीं ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, ये तो अनडिफाइंड हो गया। ये क्या हो गया मेरा, अनडिफाइंड, दिस इज कॉमा करके लिख लो, नॉट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, और फर्दर वही लिख लेना जीरो एग्जैक्ट जीरो अपॉन जीरो, वो भी अनडिफाइंड होगा। डिनोमिनेटर में जीरो तो हम लिख ही नहीं सकते ना, एग्जैक्ट जीरो। तो देखो इससे हमें एक चीज और पता चली कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नॉट एंड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या बोला, सॉरी एक बार, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज नहीं है। समझ में आया, मैं इसको अनडिफाइंड बोल रहा हूँ। देखो इनडिटर्मिनेंट इसलिए नहीं क्योंकि मैं तो बता सकता हूँ ना ये कहाँ जा रहा है, ये तो अनडिफाइंड है, आई कैन टेल दिस इज अनडिफाइंड। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये मेरा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेंट, दिस इज अनडिफाइंड, ठीक है। केवल जीरो अप्रोचिंग अपॉन जीरो अप्रोचिंग, इसमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हुआ, क्लियर है। चलो अब हम थर्ड पे मूव करते हैं, थर्ड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। जैसा कि मैंने बोला अभी मैं एग्जांपल्स नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ सारे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का, एक जगह लिख लेते हैं उसके बाद फिर हम एक एक करके मूव करेंगे। तो थर्ड वन इज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, अगेन नो नीड टू पुट अप्रोचिंग क्योंकि इन्फिनिटी हमेशा अप्रोचिंग ही होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए भी ऐसे समझो, चलो f बाय g जो मैंने अभी लिया था इससे पहले, अगर f लेट से 5 को जा रहा है और ये लेट से 2 को जा रहा है, तो इन दोनों का अगर ये 5 को जा रहा है ये 2 को जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, 5 बाई 2 को, ठीक है। अब मैंने बोला अगर f इन्फिनिटी को जा रहा है और ये लेट से कुछ कांस्टेंट, लेट से मैंने 6 ले लिया, 6 को जा रहा है डिनोमिनेटर, तो मेरा ओवरऑल फंक्शन कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। मैंने बोला ऊपर अब कांस्टेंट ले लेता हूँ, लेट से 6 को जा रहा है, नीचे मेरा इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ओवरऑल मेरा फंक्शन कहाँ जाएगा, ये 6 पॉइंट समथिंग लिखा है, ये बहुत बड़ा नंबर लिखा है, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, तो ये ओवरऑल कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स जीरो को जाएगा। तो इन तीनों में तो मैं बता पाया, क्या बता पाया कि आउटपुट किस पर्टिकुलर वैल्यू को टेंड करेगा या अप्रोच करेगा। बट अगर मान लो ऐसे लिखा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ऑफकोर्स अप्रोचिंग है, तब क्या तुम बता पाओगे कि आउटपुट कहाँ जाएगा, नहीं बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि अगेन जो मेरा ऊपर वाला फंक्शन होगा एफ, वो तो क्या करेगा, ऊपर पूरे प्रोडक्ट, पूरे जो फंक्शन है इस पूरे फंक्शन को इन्फिनिटी की तरफ पुल करेगा, और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जो है वो पूरे फंक्शन को जीरो की तरफ पुल करेगा। तो ओवरऑल क्या होगा, दैट वी कैन नॉट टेल जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, फॉर दैट वी शुड नो व्हाट इज एफ एंड व्हाट इज जी।
समझ में आया? फॉर दिस वी शुड नो एफ एंड जी, देयरफॉर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इज व्हाट माय इंडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो इसको लिख लो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी इज माय थर्ड इंडिटरमिनेंट फॉर्म। अगर इसको भी एग्जांपल से समझना है तो एग्जांपल भी देख लो। जैसे मैंने लिखा एक एक्स स्क्वायर ले लिया और एक एक्स ले लिया, तो ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, इसका प्रोडक्ट क्या है एक्स, तो ये भी कहाँ जाएगा इन्फिनिटी को जाएगा। फिर मैंने लिखा ऊपर एक्स ले लिया नीचे एक्स स्क्वायर ले लिया, तो न्यूमरेटर इन्फिनिटी को जा रहा है, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को जा रहा है, बट इनका प्रोडक्ट क्या है वन बाय एक्स, ये कहाँ जाएगा जीरो को जाएगा, जीरो को जाएगा। फिर मैंने ले लिया ऊपर फाइव एक्स और नीचे लेट से सिक्स एक्स, न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी को जा रहा है, अगर अफकोर्स मैं एक्स इजिकल टू इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ, अगर एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये भी इन्फिनिटी को, ये भी इन्फिनिटी को, बट यू कैन सी इन दोनों का जो ओवरऑल फंक्शन है दैट इज कॉन्स्टेंट विच इज फाइव बाय सिक्स, तो फाइव बाय सिक्स, तो देख रहे हो इन्फिनिटी भी जा रहा है, कभी जीरो जा रहा है, कभी कॉन्स्टेंट हो रहा है, हैंस वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द, फॉर दैट वी शुड नो द फंक्शन, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्लियर है? चलो अब हम नेक्स्ट फॉर्म पे मूव करते हैं। तो अभी तक हमने कौन कौन से देखी है, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या फिर एंड जीरो बाय जीरो। ठीक है, चलो वैसे एक्चुअली देखा जाए, चलो एक शॉर्ट में एक चीज़ और बता दें, छोटी सी चीज़, बेसिकली जो तीन फॉर्म पढ़े ना हमने वो है एक ही चीज़, कैसे इसको समझते हैं पहले, उसके बाद मैं फोर्थ फॉर्म लेता हूँ। देखो जब मैंने लिखा था ना जीरो अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग लेट से, सो अगर मैं देखो ऐसे लिख रहा हूँ, मैं इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे ये डिनोमिनेटर वन लिखा है, इस जीरो अप्रोचिंग को इस वन के नीचे लेके जा सकता हूँ, ऑफकोर्स दिस आई कैन राइट इट एज इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन वन अपॉन जीरो अप्रोचिंग, और वन अपॉन जीरो अप्रोचिंग क्या होगा मेरा इन्फिनिटी अप्रोचिंग, तो इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग, तो ये बेसिकली एक ही चीज है। फर्दर अब मैं एक और फॉर्म जो पढ़े हम जीरो बाय जीरो, वो कैसे लाए इसको, मैं इसको तो न्यूमरेटर को इधर ही रहने देता हूँ जीरो अप्रोचिंग, इस इन्फिनिटी को इसके नीचे लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा वन अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग, तो वन अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग क्या होगा जीरो अप्रोचिंग, तो दिस इज वॉट जीरो अप्रोचिंग अपॉन जीरो अप्रोचिंग। तो जो भी अभी हम तीन फॉर्म पढ़े घुमा फिरा के वो एक ही चीज है, देखा जाए ध्यान से, यू नोटिस इट, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एंड जीरो इंटू इन्फिनिटी, ऑल थ्री आर बेसिकली सेम ओनली। ठीक है ना, बट उसको डिफरेंट कैटेगराइज किया, तो हमने भी अलग से अलग अलग उसको कैटेगरी में पढ़ लिया, दिस इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट कि बेसिकली जो तीन है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, फॉर्म्स अलग अलग है बट लिखा एक ही चीज है, अलग अलग फॉर्म में लिखा है, जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, तो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, बट अलग अलग फॉर्मेट में लिखा है। ठीक है ना, चलो तो अब फर्दर मूव करते हैं, देन नाउ वी विल मूव टू अवर फोर्थ इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। फोर्थ इंडिटर्मिनेंट फॉर्म दिस इज वॉट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, चलो इसको इसको भी समझते हैं, मैंने बोला चलो f और माइनस जी। ठीक है, तो मैंने बोला लेट से अगर ये 5 को जा रहा है, ये अगर 2 को जा रहा है, तो ओवरऑल जो मेरा फंक्शन है की वैल्यू कहाँ जाएगी, लेट से ये h है मेरा, तो कहाँ जाएगी 3 को जाएगी, तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब इजिली बता पाया। फिर मैंने बोला अगर ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये लेट से 2 को जा रहा है, तो ये ओवरऑल फंक्शन कहाँ जाएगा इन्फिनिटी को जाएगा, इसमें ही बता पाया। फिर मैंने बोला लेट से ये 5 है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये 5 को जा रहा है, तो ओवरऑल फंक्शन कहाँ जाएगा 5 माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, तो इधर भी हम आउटपुट बता पाए। लेकिन अगर मैंने लिखा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अब बताओ आउटपुट कहाँ जाएगा, तो देखो फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आया, जो पहला वाला फंक्शन है f, वो तो इस पूरे h को कहाँ लेके जाएगा इन्फिनिटी की तरफ पुल करेगा, जो g फंक्शन है वो इस पूरे पूरे h फंक्शन को माइनस इन्फिनिटी, वी डोंट नो से मतलब है मुझे फंक्शन पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या है, तब मैं बताऊंगा, तो हैंस दिस इज वॉट माई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो इसका भी एक मैं एक्स के टर्म्स में एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने बोला ना अभी कि ये इन्फिनिटी को भी जा सकता है, जीरो को भी जा सकता है, या फिर एक कांस्टेंट भी हो सकता है, तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं हम। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, तुम लोग इसको कॉपी करो। मैंने बोला लेट से ये मेरा एफ है माइनस जी, ठीक है ऐसे लिखा है मैंने, दिस इज इक्वल टू एच, तो मैंने एफ को लिया लेट से एक्स स्क्वायर, और इसको लिया मैंने लेट से एक्स। चलो फिर मैंने बोला मैं बात कर रहा हूं एट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, एज एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड इन्फिनिटी मुझे इसकी लिमिट निकालनी है, तो देखो ये कहाँ जाएगा इन्फिनिटी को जाएगा, ये भी इन्फिनिटी को जाएगा।
अब मैं इसका जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देखो अभी आगे जाके भी पढ़ेंगे हम, बेसिकली जब एक्स इन्फिनिटी को जाएगा तो हमारा एक्स स्क्वायर विल बी द डोमिनेटिंग टर्म, एक्स स्क्वायर डोमिनेट करेगा, इसका मतलब वी कैन नेग्लेक्ट, अभी आगे जाके देखेंगे हम, वी कैन नेग्लेक्ट एक्स इंस्टेड ऑफ एक्स इन प्लेस ऑफ, मतलब क्या करेंगे इन दोनों में से हमारा ये नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इससे बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उसका एक्सप्लेनेशन हम तभी देंगे जब मैं डोमिनेटिंग टर्म पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए तो मैं बोलूंगा दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर, अभी लिख लो, इसको समझेंगे थोड़े टाइम बाद जब वो टॉपिक आएगा। तो अब एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है तो प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरा ले रहा हूं, अब मैंने ये लिया एक्स, ये लिया माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर लिया, तो अब मेरा क्या होगा जो ओवरऑल फंक्शन होगा वो होगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरा डोमिनेटिंग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डोमिनेटिंग रहेगा तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो अब x इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये कहां जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को, तो इधर इन्फिनिटी को जा रहा था इधर माइनस इन्फिनिटी को। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें वो कांस्टेंट की तरफ मूव करेगा। तो मैंने लिया पहल f को, तो लिया मैंने लेट से x प्लस टू, एक्स प्लस फाइव, और g को ले लिया मैंने लेट से x माइनस, चलो x प्लस टू ले लो। f कहां जा रहा है, x प्लस फाइव कहां जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है, x प्लस टू कहां जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। बट लकीली देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, फाइव माइनस टू इज थ्री, तो कांस्टेंट आ गया हमारा। तो देखो कभी तो इन्फिनिटी आ रहा है, कभी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, कभी कांस्टेंट आ रहा है, हेंस वी कैन नॉट टेल कि एग्जैक्टली क्या आएगा अगर हमें फंक्शन नहीं पता। देयरफॉर दिस इज व्हाट माय इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, क्लियर हुआ बच्चों? चलो तो ये हो गया हमारा फोर्थ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्म पे, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट इज अवर फिफ्थ इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, लास्ट में समराइज करूंगा, एक पेज पर हम लिखेंगे सातों इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट इज माय फिफ्थ इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, तो फिफ्थ को समझ लें, फिफ्थ का चलो पहले लिख लेते हैं है क्या, जीरो पावर जीरो, ये पावर में लिखा है, एक्सपोनेंट में लिखा है, दिस इज माय इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। चलो इसको भी हम पहले समझते हैं कि ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों है। उसके लिए देखो मैंने लिखा एफ की पावर जी, ठीक है। अगर मैंने तुमसे बोला फाइव की, एफ फाइव को जा रहा है और जी टू को जा रहा है, एरो मीन्स अप्रोचिंग, तो ओवरऑल फंक्शन कहाँ जाएगा, 25 को जाएगा, तो हम बता पाए। फिर मैंने बोला ये फाइव को जा रहा है और लेट से ये जीरो को जा रहा है, तो ओवरऑल फंक्शन कहाँ जाएगा, ये जीरो क्या करेगा, इस पूरे फंक्शन को वन की तरफ पुल करेगा, ये तो कॉन्स्टेंट, इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये मेरा ओवरऑल वन की तरफ जाएगा। फिर मैंने बोला ये जीरो की तरफ जा रहा है और ये फाइव की तरफ जा रहा है, तो मेरा ओवरऑल फंक्शन कहाँ जाएगा, ऑफ कोर्स जीरो की तरफ जाएगा। तो देखो इन तीनों केसेस में आई कैन टेल कि मेरा आउटपुट कहाँ जा रहा है। बट अगर मान लो मैंने जीरो की पावर जीरो की लिखा, जीरो अप्रोचिंग टू द पावर जीरो अप्रोचिंग, अब बताओ क्या कहाँ जाएगा। तो देखो जो डिनोमिनेटर वाला जीरो है, सॉरी जो बेस वाला जीरो है, वो इस पूरे फंक्शन को जीरो की तरफ पुल करेगा, और जो पावर में लिखा है वो पूरे फंक्शन को वन की तरफ पुल करेगा, याद रखना इन्फिनिटी नहीं बोलना है, ठीक है ना, वन की तरफ पुल करेगा। तो एक तो जीरो की तरफ पुल कर रहा है, एक वन की तरफ पुल कर रहा है, तो देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हम नहीं बता सकते विदाउट नोइंग द फंक्शन, हेंस दिस इज माय इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। इसका एग्जांपल एक्स वगैरह के टर्म्स में अभी नहीं ले रहा हूं, मैं बाद में लूंगा, थोड़ा हम आगे पढ़ लें उसके बाद। जैसे अभी तक तो मैंने क्या जो भी चार इंडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़े बढ़ाए उसमें मैंने एग्जांपल लेके बताया तुम्हें कि ये कभी इन्फिनिटी को जा रहा है, कभी माइनस इन्फिनिटी को, कभी जीरो को। इस केस में मैं जो अभी नेक्स्ट थ्री ले रहा हूं उसको मैं बाद में समझाऊंगा उस एग्जांपल से, क्योंकि उसके लिए थोड़ा और हमें नॉलेज लगेगा, ठीक है। अभी के लिए मान लिया दिस इज माय इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि हाँ भाई ये क्यों है, क्यों है दोबारा, क्योंकि हम बाय ऑब्जर्वेशन नहीं बता पा रहे, दिस कैन टेंड टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर थिंग, ठीक है ना। चलो तो इसको भी तुम क्या करो एग्जैक्ट वाले उसमें लिख लो, जैसे इसके भी क्या क्या केस बनेंगे। जैसे मैंने लिखा ए जीरो अप्रोचिंग टू द पावर जीरो अप्रोचिंग, तो ये तो मेरा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। अब मैं और लिख रहा हूँ, अब मैंने लिखा इसी फर्दर, अब मैं एग्जैक्ट ले लेता हूँ, लेट से ये जीरो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट जीरो रेस टू पावर जीरो अप्रोचिंग, ये मेरा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, ये तो एग्जैक्ट जीरो आएगा, नॉट इंडिटर्मिनेंट, ऐसे लिख लो, नॉट इंडिटर्मिनेंट, नॉट आई, आई स्टैंड फॉर मैंने मान लिया इंडिटर्मिनेंट, तुम पूरा लिखो इधर, नॉट इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। चलो अब फिर मैंने लिखा सी पार्ट, इसको जीरो अप्रोचिंग कर दिया, पावर में जीरो ले लिया एग्जैक्ट, तो क्या आएगा मेरा, ये जीरो एग्जैक्ट जीरो है, एनीथिंग टू द पावर एग्जैक्ट जीरो इज वन, दिस विल बी वन, तो अगेन दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। और लास्टली बचता है हमारा
एग्जैक्ट जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो. दिस इज बेसिकली नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड. ये मैथमेटिक्स में डिफाइंड ही होगा. दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म. क्लियर हो बच्चों? ठीक है, याद रखना. ये बहुत से लोग जल्दी जल्दी में क्या बोलते हैं, इसको भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोल देते हैं, इनसो इनको भी, इन तीनों को भी. बट दीज थ्री आर नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म. जीरो अप्रोचिंग टू द पावर जीरो अप्रोचिंग इज द ओनली इनडिटर्मिनेट फॉर्म अमंग दीज फोर. क्लियर है बच्चों? चलो फिर अब मैं नेक्स्ट सिक्स्थ इनडिटर्मिनेट फॉर्म में मूव करता हूं. देखना, सिक्स्थ इज ये हो गया मेरा जीरो रेस टू जीरो. अब देखना जो मेरा सिक्स्थ वाला है, दैट इज इंफिनिटी रेस टू पावर जीरो. ठीक है, अभी से पहले क्या लिया था मैंने, जीरो रेस टू पावर जीरो. अभी देखो याद भी करवाऊंगा कि कैसे मेमोराइज करना है. ठीक है, चलो अब देखो. तो ये अगेन दिस इज जीरो अप्रोचिंग. ठीक है ना, वो हम लिख लेंगे अभी फर्दर. तो इसको समझने के लिए भी तुम ऐसे ही समझ सकते हो कि ये इन्फिनिटी है. लेट्स से मैं एफ एक्स की पावर जी लिख रहा हूँ. तो वही एक्सप्लेनेशन जो इसके लिए दिया था कि 5 की पावर 2 है और ये 25 को जाएगा. ठीक है ना, फिर अब मैं ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, ये कहाँ जाएगा, अफकोर्स इन्फिनिटी को जाएगा. फिर मैंने लिखा जीरो की पावर इन्फिनिटी, ये कहाँ जाएगा, ये सोचो पहले कहाँ जाएगा, ये जाएगा कहाँ, जीरो की तरफ. क्योंकि जीरो मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन, मतलब 0.0001 उसकी पावर इन्फिनिटी डाल दिया, वो अपने आप में वैसे ही जीरो था और पावर इन्फिनिटी कर दिया, मतलब उसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं. तो जब मैं फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करता हूं तो बेसिकली और छोटा होता चला जाता है ना, तो ये क्या होगा, जीरो को जाएगा. तो इन तीनों केसेस में क्या आया, बता पा रहे हैं हम आउटपुट किस पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है. बट अगर मान लो मैंने इन्फिनिटी रेस टू पावर जीरो अप्रोचिंग लिखा, तब वी कैन नॉट टेल. क्योंकि ये क्या करेगा, ये तो इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा, ये जीरो क्या करेगा, इसको वन की तरफ लेके जाएगा. Hence there is contradiction, therefore this is indeterminate form. ठीक है, समझ में आया? चलो अब देखना एक चीज कि जैसे अब मैंने अभी जैसे जीरो रेस टू पास जीरो लिया, इन्फिनिटी रेस टू पास जीरो लिया, तो क्या होता है जल्दी जल्दी में बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि मतलब वो जीरो रेस टू पावर इन्फिनिटी ले लेते हैं, फिर जीरो की पावर इन्फिनिटी ले लिया, फिर इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी ले लिया. तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ये दोनों इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है. दीज आर नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स. क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बता पा रहा हूं ना मैं, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, जीरो की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है. सो इसको लिख लो, दिस इज जीरो अप्रोचिंग ऑफ कोर्स एंड दिस इज इन्फिनिटी, दीज आर नॉट इंडिटर्मिनेंट फॉर्म. नॉट इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, या फिर ऐसे बोल लो कि इन्फिनिटी और जीरो के, जैसे जैसे पीएनसी से मैंने बोला एक बॉक्स ये है, इसके ऊपर एक बॉक्स ये रखा है, तो इसको फिल करने के दो तरीके हैं, इन्फिनिटी या जीरो. इसको फिल करने के दो तरीके हैं, इन्फिनिटी या जीरो. सो देयर आर टोटल फोर कॉम्बिनेशन. उन फोर कॉम्बिनेशन में इंडिटर्मिनेंट फॉर्म वाला कौन सा होगा, जब इधर जीरो होगा. इतना याद रख लो, ऐसे मेमोराइज कर लो. अब इधर प्लस माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, पावर में जब जीरो है तब मेरा क्या है, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म. देख लो, इन्फिनिटी रेस टू पावर जीरो, जीरो रेस टू पावर जीरो. ठीक है ना, देयर आर फोर पॉसिबल केसेस. अमंग दोस फोर, टू आर इंडिटर्मिनेंट, टू आर नॉट इंडिटर्मिनेंट. क्लियर है? चलो अब लास्ट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हमारा बहुत डिस्कशन होएगा आगे जाके, अभी बिल्कुल नहीं करेंगे हम, उसके बाद अभी लिख रहे हैं बस फॉर्मली, वी आर राइटिंग इट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मेंस में ये समझ लो मतलब जैसे अगर मैं दो बार एग्जाम, दो बार अगर कंटिन्यूस लिमिट आता है तो उसमें से एक बार तो पक्का इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. मतलब लिमिट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस सेवंथ वन. दिस इज वन रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म, और दिखने में बहुत हार्ड लगता है इसका क्वेश्चन लुक वाइज, बट सबसे ईजी होता है इसका. एक एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाओ, झट से आंसर मिलता है. अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ वन रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म, वन रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म. ऑफकोर्स दिस इज वन अप्रोचिंग, तो इधर लिख लो फर्दर लिखना है तो, वन रेज वन अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, दिस इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म. देखो इन्फिनिटी तो हमेशा अप्रोचिंग ही होता है. अब कोई बोले एग्जैक्ट वन रेस टू पावर, दिस इज वन ओनली, दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेंट. एग्जैक्ट वन रेस टू पावर इन्फिनिटी, वन को इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई करूंगा, चेंज होगा क्या, नहीं, वन ही आने वाला है. सो दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, नॉट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म. क्लियर हुआ? तो ये होगा हमारे सात इंडिटर्मिनेंट फॉर्म. तो एक बार समराइज कर लेते हैं एक जगह, ठीक है ना, एक जगह समराइज कर लेते हैं, सो दैट रिवीजन के लिए तुम लोगों को भी आसानी होगी. तो
मैं एक बार सारे जो सेवन इंडिटरमिनेंट फॉर्म पड़े उसको लिख देता हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा लिमिट्स में। तो पहला हमारा था जीरो इन जीरो अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी, सेकंड इज जीरो जीरो अप्रोचिंग अपॉन जीरो अप्रोचिंग, थर्ड इज इन्फिनिटी अप्रोचिंग, इन्फिनिटी हमेशा अप्रोच होता है, एरो लगाने की जरूरत नहीं है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, फोर्थ वन इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, फिफ्थ वन इज जीरो रेस टू पावर जीरो फॉर्म, सिक्स्थ वन इज इन्फिनिटी रेस टू पावर जीरो फॉर्म, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वन रेस टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। सो दीज आर सेवन इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, लिख लो सेवन इंडिटर्मिनेंट, डी ई टी ई आर एम आई एन ए एन टी एस, सेवन इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। यही पढ़ना, इसके अलावा हमें लिमिट्स में कुछ नहीं पढ़ना है, यही इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं।